हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हम खेलने वाले हैं मॉर्टल मैनेजर सिमुलेटर। तो आप सबको बताया हमने कितने सारे एपिसोड मॉर्टल मैनेजर के खेल दिए, मतलब कम से कम 10 एपिसोड खेल दिए है, एंड अभी भी मैंने एंड नहीं करा इसका। हाँ, पिछले वाले एपिसोड में मैंने एंड कर दिया था, बट अभी तक इसका एंड नहीं हुआ। भाई तुम्हारा रिस्पॉन्स देख के मैंने एंड नहीं करा, और जिन्होंने भी भाई कमेंट करा था उन सबको शाउट आउट यू। तो अब हम अपनी ये वाली सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और काफी मजे से इसको खेलने वाले हैं। तो चलो अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अगेन आ चुके हैं एक बार फिर से मॉर्टल मैनेजर में, और तुम्हें याद होगा हमने इसका दी एंड कर दिया था, पर नहीं भाई, तुम सबका रिस्पॉन्स देखने के बाद ना मेरे को लगा कि डी एंड तो नहीं करना चाहिए। और तुम्हें याद होगा हमने ना ये वाला जो रूम है ये हमने पूरी तरह से बना लिया है। हाँ, ये वाला रूम पूरी तरह से बन चुका है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सिर्फ टॉवल लग गए, टॉवल लगना बाकी है। नहीं, टॉवल्स नहीं लगे ना यार, टॉवल्स चाहिए मेरे को। रुकना दो मिनट, यहाँ पे एक टॉवल प्लेस कर देता हूँ, जिससे पता क्या होगा कि ये रेडी हो जाएगा रूम। तो चलो इसको अटैच कर दिया टॉवल को। एंड ना यार फ्यूल खत्म हो गया भाई हमारे गैस स्टेशन पे। रुकना दो मिनट, मेरे को ना इसको पेंट करना है आज अच्छे से। ठीक है भाई, बिजनेस मैन आया कोई। ठीक है, इसको एक दिन के लिए चाहिए। एक बेड तो नहीं है हमारे पास, दो बेड वाला रूम दे दे, टेक दिस रूम की। ओके, वेट 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 वेट, होल्ड ऑन। इसको ना मैं, चार नंबर है ना वो। ठीक है, तो इसको ना मैं यही वाला रूम दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है चलो ले जो सर। हाँ, ये वाला रूम दे रहे हैं जो अभी हमने नवा बनाया ना, जिसमें मैं टॉवल वगैरह लगा के आ रहा हूँ, वो वाला रूम दे रहा हूँ उसे। एंड $500 की कमाई हुई हमारी। तो ठीक है, फाइनली हमारा काम तो बना भाई। देखो तो आज मैं क्या सोच रहा हूँ, वेट मैडम रूम नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है यार, मैं ना मॉर्टल को अभी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास रूम अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। एंड अभी इनका टाइम, रुकना, दो दो बंदे थे ना इसमें। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अभी तक ना तीन पर्सन है हमारे पास मॉर्टल में, इनका टाइम नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड मेरे को फ्यूल ऑर्डर करना था। वेट यार, उनका टाइम तो देखेंगे, पर उससे पहले ना मैं फ्यूल ऑर्डर कर देता हूँ। डिलीवरी फ्यूल, एंड यहाँ पे फ्यूल भर के ऑर्डर कर दो। तो फाइनली मैंने फ्यूल ऑर्डर कर दिया। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे कितने मिनट के रह गए, 16, 18, 38। ठीक है, और भाई कितना तगड़ा तगड़ा रेंट दिया यार इन्होंने, मतलब कितने घंटे बाद जाएंगे तुम देख रहे हो भाई, बहुत टाइम लगने वाला है यार इन्हें तो। ठीक है यार, मैं ये क्या हुआ, टू एक्सपेंसिव कहाँ मैम, टू एक्सपेंसिव कहाँ है यार, ये इतने सस्ते तो मेरे रूम्स हैं। एंड मैडम कह रही है टू एक्सपेंसिव। तो चलो यार, मेरे को ना आज ये मैं सोच रहा हूँ बना लूँ। एंड यहाँ पे ना फ्रिज है, जो इसके मैंने स्विच ही नहीं लगाए वहां पे। रुकना, मेरे को ना स्विच चाहिए। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। एंड मेरे को अभी स्विच चाहिए, रुको जरा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो मैं स्विच जाके लगा देता हूँ। पता है यार स्विच ना जरूरी है, अगर मैं स्विच नहीं लगाऊंगा ना देन हमारे साथ क्या होगा, सीन होगा और हमारा जो सामान है वो चलेगा नहीं। तो ठीक है, डन। तो यहाँ पे फाइनली काम बन चुका है, और किसी की सुस्त तो नहीं है मेरे हिसाब से, इसका स्विच लगा हुआ है। ओके, तो फाइनली सारा काम खत्म होता है यहाँ पे। एंड इसको मेरे को इसके अंदर रखने दो। ठीक है, डन। एंड अभी इसका मैं स्विच लगा देता हूँ, चलो एंड डन। यहाँ पे इसको लगाते हैं। ठीक है, ए टू प्लग, इसको भी ना मैं प्लग कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली अब चल चुका है। और मेरे को ना ये जो चीजें है ना इनको थोड़ा ना चेंज करके रखना पड़ेगा, इसको शॉप की तरह बनाना है यार, बढ़िया सा हमें शॉप की तरह लगना चाहिए ना पूरा पूरा। रुकना दो मिनट। ठीक है, ओके, तो यहाँ शॉप को हम थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे कि शॉप लगे। और थैंक्स। ठीक है, यहाँ पे कितने डॉलर हो गए, $500 हो गए ना। या शॉप्स वगैरह से मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे वैसे देखा जाए तो। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइनली चलो यहाँ का काम खत्म हो चुका है। एंड मेरे को यार इनको पेंट भी करना है आज, यहाँ का ना जो काम है इधर पेंट करना है मेरे को तगड़े वाला। ठीक है, देखते हैं कोई कलर, अगर कलरफुल पेंट हो ना वही करेंगे, क्योंकि ना ऐसे पेंट्स तो अच्छे लगेंगे नहीं। मैं पेंट्स वगैरह देख लेता हूँ अभी के लिए। फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, वॉल्स के लिए कौन से पेंट अच्छे लगेंगे, कोई भी ना बढ़िया पेंट है नहीं, मतलब जो हमारे इस पर अच्छा लगे। तो सिंपल पेंट काफ़ी बढ़िया रहते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ इस पर सिंपल पेंट करे जाए जो कि मॉर्टल देखने लायक लगे। भाई मॉर्टल बनाना है हमने तो देखने वाला बनाना है। तो ये रहा, एक येलो है या डार्क येलो, नहीं है, नहीं डार्क येलो नहीं है।
मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम इस पे ऐसा कलर भी कर सकते हैं, और ये वाला कलर कर सकते हैं, ये वाला ना थोड़ा काफी अच्छा लगेगा। 7, 8, 9, 10, ठीक है, इसको मैं ऑर्डर करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 पैक इसके ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए अभी काफ़ी सारा सामान। तो वेट, क्या सीन है? 2 मिनट, डिलीवरी ऑलरेडी है। ओके, मैंने कुछ ऑर्डर करा था आई थिंक, रुकना 2 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरे को याद आया, मैंने ना इधर से ना टॉवल्स ऑर्डर करे थे, जो कि रूम बनाया था ना उसके लिए थे। और ये क्या कर रहे हैं सारे यार? इनको ना इनके काम पे लगाना पड़ेगा, ये सब ना यहीं पे घूमते रहते हैं ना, तो परेशान ही करते हैं। रुको 2 मिनट, यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट में चलते हैं, और ये रहा स्टाफ। तो स्टाफ में सब अपने काम पे लगे हैं, दो दो वेयर हाउस में रखे हैं, हाउस कीपिंग के लिए दो रखे हैं, क्लीनिंग के लिए है, और एक तो रेस्टिंग कर रहा है भाई। फेट, इसको मैं लगाता हूँ कैशियर पे, कैशियर है हमारे पास। ठीक है यार, दो कैशियर रख लें क्या वहां पे शॉप में? रुकना, दो कैशियर रखते हैं शॉप में, ठीक है। ऑर्डर करा मैंने? नहीं, ऑर्डर नहीं करा ना अभी। ठीक है, मैं ना दो कैशियर रखने वाला हूँ इसी के अंदर, एंड यहीं से ऐड कर लेता हूँ कैशियर भी। ठीक है, एक एक और ऐड कर लिया मैंने, एंड बड़ा ट्रक लगेगा क्या? अरे यार खाली हो गया भाई। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे ऐड करो, एक और करा। एंड यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था वैसे? डिस्प्ले के लिए भी सामान काफ़ी सारा है, तो मैं अभी तो नहीं लगाने वाला। फ्रिज वगैरह है यहाँ पे, तो इन सबको छोड़ो। वेयर हाउस के अंदर भी बॉक्सेस है, वेंडिंग मशीन्स। यार वेंडिंग मशीन्स नहीं मंगाई ना मैंने। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वेंडिंग मशीन्स काम आएंगी। ओके, तो यहाँ से ये भी हो गया। एंड मैं क्या मंगाने वाला था? सेल्स का हो गया, ये सामान हो गया। ठीक है, तो हमें अभी क्या चाहिए? कुछ वॉशिंग मशीन्स भी मंगा लेता हूँ, काम आएगी हमारे। ठीक है, फ्यूल ऑर्डर कर चुका हूँ मैं, सब कुछ हो गया। यार मैं क्या ऑर्डर कर रहा था, मैं खुद भूल गया भाई, मैं क्या ऑर्डर करने में लगा हुआ था। रुको 2 मिनट, सर्वर करो। ठीक है, इसको ना मैं बड़ा ट्रक में मंगाता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा। और ट्रक अपना ही है तो दिक्कत नहीं है कोई, मैंने ट्रक परचेज कर रखा है। ठीक है, फाइनली मैं पेंट मंगा रहा था यार, मैं भूल गया, मैं पेंट ऑर्डर कर रहा था मैंने। ठीक है, यहाँ से कम 10 पेंट ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, कितने बने? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो छोटे ट्रक में ऑर्डर करते हैं ना, जो फास्ट है। या मेरे को ट्रक वगैरह भी ना खरीद लेने चाहिए। ठीक है गाइस, फाइनली अभी के लिए मैंने ऑर्डर्स वगैरह कर दिया है, एंड बड़े वाला ट्रक आया नहीं अभी तक। ओके, तो अपना जो सामान था वो आ चुका है सारा, एंड इसका वेट करना पड़ेगा। रुको, एंड ना यहाँ तुम्हें दिखा दूँ भाई, यहाँ पे बस वगैरह आती है, जिससे कि ना हमारे पास कस्टमर आते हैं काफ़ी सारे। ये देखो, ये बस खड़ा हुआ ना, और यहाँ पे यार हमारी एड्स लगनी चाहिए थे वैसे। ठीक है, यहाँ पे भी बस स्टैंड है। ओके, यहाँ से मैं पैसे मार लूँ थोड़े से। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। अरे भाई, बहुत सारे पैसे बने हुए हैं यार। चलो, फाइनली पैसा बन चुका है हमारा, एंड हमारी जो वैन थी छोटी वाली वो भी आ चुकी है। तो इसे खड़ रही है, तो पहले भाई बढ़िया तरीके से खड़ जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, चलो ओपन करो उसको। ओके, अरे नीचे उतरना भाई, यार मेरे को इतना टाइम क्यों लगाने देते हैं यार ये। ठीक है भाई, फाइनली दो दो काउंटर आ चुके हैं, वेंडिंग मशीन आ चुकी है, और जो ये वॉशिंग मशीन है वो भी आ चुकी है। देखो, वॉशिंग मशीन मैंने इसलिए मंगाया, हाउस कीपिंग का काम ना जल्दी हो सके। तो ठीक है, अभी के लिए मैं एक और यहाँ पे लगाने वाला हूँ, इधर रखना था मेरे को। ठीक है, एक मैं इधर रख देता हूँ ना, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो फाइनली एक फ्रिज फ्रिज के पास, ठीक है, या फिर ऐसे रखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा और फ्रिज के पास। तो फाइनली एक और मैंने रख दिया यहाँ पे ना, हम बंदे रखेंगे, एंड यहाँ पे तो हमने लोग रखे ही हैं। तो ठीक है, चलो ये वाला काम खत्म हुआ, एंड अभी मेरे को चाहिए यहाँ से, एक ही मंगाया था मैंने। वेट, मेरे को हाउस कीपिंग के लिए सामान चाहिए ना, ये मैंने इसलिए मंगाया यार, हाउस कीपिंग का जो कपड़ों का काम है ना वो जल्दी हो जाए करे। रुकना, ई टू प्लग, ई टू रिटर्न, एंड देन इसको उठाओ, और इन दोनों को यहाँ पे रखो। और जो ये स्विच है, काम गया स्विच हमारा, इसको तो मैं अभी ना यहाँ रखने वाला हूँ। जो ये स्विच है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा अगर, तो मैं दोनों को ऑन कर सकता हूँ। यहाँ देखो,
इसको लगाया, इसको प्लग करा, इसको लगाया, इसको प्लग करा, तो यहाँ पे दो दो प्लग लग गए हैं। तो चलो ये वाला काम खत्म हुआ हमारा। एंड अभी के लिए यहाँ पे कुछ मशीन्स है, तुम्हें पता ही होगा, दो एंड तीन। तो मेरे पास अभी वॉशिंग मशीन भी है तीन तीन, तो उसको भी उठाना है। वेंडिंग मशीन तो मैंने अपने शॉप के लिए मंगाई थी, ठीक है। मैं बाहर की तरफ लगा सकता हूँ कैसे? हाँ बाहर की तरफ लग जाएगा ये, ओके। तो इसको ना मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, छोड़ो यार यहाँ पे ना, ओके। एक यहाँ हो गया एंड एक लगाते हैं इस साइड, ठीक है। और एक हम ना वॉशिंग मशीन इधर पे भी लगा देते हैं ना, वेंडिंग मशीन्स। तो ठीक है गाइस, फाइनली E2 ओपन। इसके अंदर ना मैं सामान भर सकता हूँ, बट इसके लिए भी मेरे को चाहिए स्विच। चलो कोई नहीं, स्विच वगैरह तो हम ले आएंगे। एंड यहाँ पे है, दो मिनट रुको, ठीक है दो। तो हमने तीन वॉशिंग मशीन मंगाए थे, तुम्हें याद होगा, हाउस कीपिंग के लिए मंगाए थे मैंने सारे के सारे, क्योंकि हमारे जो रूम्स हैं अभी वो रेडी होना बाकी हैं। सारे रूम्स को ना रेडी करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। डन, थोड़ा सा एक, ठीक है, और इसको दूसरे को यहाँ पे। तो चलो इसका भी काम हो चुका है। एंड इसको एक उठाओ, एंड ऐसे ही ना हम इन दोनों को भी लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो फास्ट कैसे होता है यार, ये फास्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है, स्लो ही हो गया, कोई चक्कर नहीं है। चलो एक एंड दो। तो फाइनली हमारी दोनों मशीन, ये चारों मशीन्स लग चुकी हैं। एंड अभी के लिए भाई वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो लोग आ रहे हैं, रुको यार, मैं ना उस वाली उस पर ना बंदे वगैरह रख देता हूँ, जिससे कि ना काम हमारा जल्दी जल्दी हो। तो ठीक है, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। एंड मैनेजमेंट में चलते हैं, स्टाफ पे। और एक बंदा तुम्हें याद होगा रेस्ट पे था, जिसका नाम था मोन। तो ठीक है, इसको मैं कैशियर पे लगाने वाला हूँ। यस यस यस, कैशियर टू पे तुम्हें लगे हुए। तो ठीक है, उसको मैंने कैशियर टू पे लगा दिया है। और अभी के लिए यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे। तो ठीक है गाइस, फाइनली दो दो कैशियर हो चुके हैं, एक ये रहा कैशियर, ये रहा कैशियर। तो हमारा ये वाला काम खत्म हो चुका है, और अब बारी है हमारी दूसरे काम की। हाँ इसको खत्म करो, चलो सर। एंड यहाँ पे गाड़ियाँ अटक चुकी हैं, कोई बात नहीं, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार वो टाइम लगाएगा, जाने में भी टाइम लगा रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लो कैसी कैसी कार्स खड़ी है। अब मेरे को ना ये पेंट करना है, बढ़िया सा पेंट कर दूँ ना इसे, देन भाई दिखने लायक हो जाएगा ये थोड़ा सा। तो चलो चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको जाने दो भाई साहब को, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई क्या आ गया भाई, गाड़ियाँ यहाँ पे जाम लगा रही हैं अब तो। तो ठीक है फाइनली ये भी ले आया है, रुको मेरे को इसमें पेंट्स निकालने हैं, और पेंट्स निकाल के लेके चलना भाई, पांच पेंट्स कम से कम लेके चलने वाला हूँ मैं। चलो बोलो से जल्दी उतरना भाई, क्या कर रहा है यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है बंदा। ठीक है, दो तीन चार पाँच, तो जो हमारे वर्कर्स है ना वो काफ़ी सारा वो सामान उठा लेंगे। तो अभी के लिए तो मेरे को भाई इनको पेंट करना है। एक मैं ये वाले कलर पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये कलर थोड़े ना ब्राइट दिखते हैं, एंड हमारा जो ये है ये अच्छा भी लगेगा। तो ठीक है चलो डन। एंड मेरे को चाहिए अब यहाँ से पेंटिंग ब्रश। तो ठीक है देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ओके। जैसे हमने पेंट करा भी, ओके, तो ये पेंट ना दिखेगा, ये नहीं है कि दिखेगा नहीं, ये देखो अब ये पेंट ना अलग से ही दिखेगा, ठीक है डन इट। तो ये हो गया पेंट, और रे ऊपर भी पेंट होगा भाई, रुकना इसमें भी पेंट होगा फिर तो। हाँ ये देखो पेंट हो गया ना इस पे भी, ठीक है डन, ये भी पेंट हुआ एंड ये भी पेंट हुआ। तो ऐसे ही करके ना मेरे को सारे रूम्स को पेंट करना है अभी, यहां से लेके ऊपर तक। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर हमें कर देना चाहिए ना। तो ठीक है यार, अभी ना पेंट करना स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। एंड इसको शुरू करा ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से हम इसको पेंट करते हैं। इजी तो नहीं है, बट हो जाएगा यार, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जितने रूम बने यार उतने तो पेंट करें हम, ठीक है डन। ये भी हुआ, ये भी बना, ओके, ये भी पेंट हो गया है, ठीक
भाई इसमें पेंट काफी है यार, मैंने ज्यादा यूज कर लिया लग रहा है। ठीक है ठीक है, अभी वो वहां पे ना हीटर था इस करके मैं वहां पे यूज नहीं कर रहा। ठीक है डन, यहाँ पे भी हो गया पेंट, यहाँ पे भी पेंट, डन डन इट। चलो चलो चलो, काम बनना चाहिए भाई हमारा। अरे ये ऊपरी पेंट होगा क्या? हाँ भाई ऊपरी पेंट होगा, रुकना तो मिनट। ठीक है डन इट, एंड अभी के लिए ना ये वाला एरिया भी पेंट करना है। ठीक है, तो फाइनली पेंट हमारा ये वाला रूम भी हो गया, एंड इसको भी करो। ठीक है, दूर से देखेंगे ना कैसा लग रहा है। फाइनली ये पेंट हो गया, सबके आगे मैंने ना ये वाला पेंट रखा हुआ है अभी भी। रुको रुको रुको, ठीक है फाइनली ये पेंट, डन इट। चलो भाई ये भी पेंट खत्म हो गया, एंड डन गाइस। फाइनली देखो 5 रूम्स मैंने पेंट कर दिए हैं और 5 को पेंट करना बाकी है अभी, तो इन सबको भी पेंट कर दूंगा ना तो ये भी काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे रूम्स। जैसे कि मान लो अभी इसको पेंट करा, एंड ये वाला पेंट आ गया। इसमें यार काफी टाइम लगेगा, वैसे ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, रुकना। जैसे ये हो गया पेंट, ये हो गया पेंट। भाई ये वाली वॉल देखो कितनी बड़ी है, इसमें देखते हैं कितना टाइम लगेगा। इसमें पूरा कर देगा ये पेंट? नहीं भाई इसमें पूरा पेंट तो नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर करता ना और ज़्यादा अच्छे लगते, पर उसमें टाइम काफ़ी लगता है यार, इतना टाइम कौन लगाए इसमें। ठीक है चलो, फाइनली ये भी हुआ, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया। तो ठीक है गाइस, फाइनली हमने काफी सारे पेंट कर दिए हैं रूम्स, एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आगे तक इसको पेंट कर दें, जिससे कि ना हमारा ही फायदा हो और थोड़ा यार देखने में ना हमारा जो मॉडल है वो अच्छा लगे। तो कुछ ही रूम्स हैं, मैं जल्दी जल्दी ना पेंट कर देता हूँ यार इन सबको। फाइनली ना मैं पेंट कर रहा था, यहाँ क्या सीन हुआ, लाइट चली गई। लाइट का सीन भी तुम्हें मैं समझाता हूँ क्या सीन है लाइट का, ये लाइट क्यों जाती है। ओके लाइट नहीं गई यार, ये मॉर्निंग हो चुकी है। मैं सोचूं भाई लाइट कैसे चलेगी, अभी तो लाइट जनरेटर यहाँ चल रहा होगा ना। अरे यूटिलिटी पावर है अभी, बट यहाँ पे मेरे को जनरेटर को ऑन कर लेना चाहिए यार, क्योंकि जनरेटर अभी ना नहीं चल रहा, तो मैं जनरेटर में ना अभी तेल वगैरह भर लेता हूँ, एंड इससे क्या होगा कि लाइट वगैरह भी अगर चाहेगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ मैं, तो चलो इसको जैसे फुल करा हमने जेरिकेन को, एंड वहां जाके इसको मेरे को भर देना है, और इससे क्या होगा कि अगर लाइट जाती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने भरा, एंड इसको मैं और भर सकता हूँ ऐसे, तो इसको मेरे को ऑन कर देना है, जिससे कि अगर कोई लाइट वगैरह जाएगी तो यहाँ भाई बिजली नहीं जाएगी। तो फाइनली चलो लाइट आ चुकी है, एंड मैंने काफ़ी रूम्स पेंट कर लिए हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है एक ही रूम बचा है, ऊपर वाले तो पेंट मेरे को नहीं करने, अभी जो पेंट अभी करे हैं वही करूँगा। तो ठीक है हमारे पास क्या था, ब्रश कहाँ गया, अरे पेंट बचा हुआ है यार। बट पता क्या सीन है, मेरे को ना दिख नहीं रहा यार किस क्या चीज मैं पेंट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा पेंट। ठीक है ओके, ये भी पेंट हो गया, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। चलो थोड़े बहुत से काम चलाना पड़ेगा गाइस, थोड़े बहुत से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है डन, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया, तो फाइनली कंप्लीट। एंड ठीक है सारा पेंट हो गया ना, यहाँ पे कुछ पेंट होएगा नहीं। तो फाइनली गाइस पता क्या, हमने सबको पेंट कर दिया नीचे वाले रूम्स को, एंड मैं सोच रहा हूँ यार ऊपर के लिए ना येलो पेंट मंगाऊँ। हाँ येलो पेंट भी अच्छा लगेगा भाई, नीचे ये हमने ब्लू टाइप कलर करा है। एंड एक सेकेंड, यहाँ ऑफिस मैंने ओपन है क्या, नहीं क्लोज रखा है। ओके इसने ना की देनी होगी मेरे को। ठीक है भाई चेकआउट पूरा हुआ ना इसका, ओके थैंक्स सर। ओके भाई चलो इन सर से मैडम से बात करते हैं। तो जो हमारे रूम्स हैं वो क्लीन करने रह गए हैं, अब मैं दिखा देता हूँ तुम्हें रूम्स भी चल के। तुम्हारे जो रूम्स की है वो वापस आ चुके हैं, एंड कौन कौन से रूम्स आए हैं। ओके तो इसका हाउस कीपिंग का काम चल रहा है, ये देखो
लोग लगे हुए हैं इसमें, इसको साफ सफाई करेंगे। ये हमारा पहला सिंपल रूम था जिसको बनाया है इन्होंने, एंड ये सब भी उठा के अभी लेके जाएंगे हाउसकीपिंग वाले। तो ठीक है, और उस वाले रूम में भी शायद से नए अभी अभी गए हैं, तो मैं तुम्हें उसमें भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्लीनर है अभी, तो हाउसकीपिंग वाला कोई आया ही नहीं है। ये हमारा दूसरा रूम था जो कि मैंने बनाया था। तो जैसे कि तुम्हें याद है, हमारा ये वाला रूम काफी ज्यादा डेकोरेटिव है, और इसके बाद भी तुम्हें ना एक और रूम दिखाऊंगा जो काफी ज्यादा डेकोरेटिव है। एंड यहाँ पे ना ये वॉश करने के लिए सामान ले जा चुके हैं, तो मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ भाई। और विंटेज कार भाई, यहाँ पे एक विंटेज कार आ रखी है, ये देखो भाई साहब, अल्टीमेट। ये देख रहे हो कार, तुम भाई विंटेज कार है जो ये लगी हुई है, अल्टीमेट लग रही है ऐसे देखने में ना। तो ठीक है चलो, अभी के लिए यहाँ से हम निकलते हैं। एंड एक सेकेंड, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया ना बेचारे का, बेचारा क्यों खड़ा रहा है भाई, इसको मैं भेजता हूँ, फिनिश करता हूँ उसकी डिलीवरी। तो ठीक है गाइस, और यहाँ पे देखो वॉश के लिए सामान लग चुका है, और यहाँ पे चार मैंने वॉशिंग मशीन लगती हैं, इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे रूम्स हैं। तो चलो, और यहाँ के लिए यार ऑर्डर वगैरह भी करना है। तो ठीक है गाइस, आज हमने काफी कुछ कर लिया है, वैसे देखा जाए तो हमने अपने सारे रूम के नीचे के पेंट कर लिए हैं, ऊपर पेंट करना बाकी है और रूम्स को बनाना बाकी है, तो उनको भी बनाएंगे। हम सोच रहा हूँ लाइव आके बनाऊं। एंड यहाँ पे हमारे जो क्या कहते हैं पेट्रोल पंप है, वो काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है, तो भाई फ्यूल फ्यूल की तो दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, देख फ्यूल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना ये वाला एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वाला एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।